चीन समेत दुनिया के अलग अलग देशों में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण ने भारत में भी चिंता बढ़ा दी है और यही कारण है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार से स्वास्थ्य विभाग को एडवाइजरी प्राप्त हुई है जिसमें कोविड गाइडलाइन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के हालातों की अगर बात की जाए तो फिलहाल इंदौर में कोरोना के आंकड़े शून्य हैं, लेकिन लगातार दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना से बिगड़े हालातों ने सभी को चिंता में डाल दिया है। उधर राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय की आवश्यक बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए, जिसके आधार पर अब सभी जिलों का स्वास्थ्य अमला अलर्ट पर है। CMHO डॉक्टर BS सत्या की माने तो इंदौर में एक महीने से जीरो केसेस हैं। कोरोना के लिए एडवाइजरी जरूर जारी हुई है। चाइना समेत तमाम देशों में केस बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें सतर्क रहना पड़ेगा। कोविड के चलते जैसे भी गाइडलाइन आएगी, स्टेट या जिला प्रशासन को उसके हिसाब से प्रोटोकॉल का पालन करवाना होगा। क्योंकि अपने यहाँ अभी इतना कोविड के केसेस नहीं है। इंदौर में देखा जाए तो अभी पिछले पूरे एक महीने से जीरो केसेस है। कोरोना के लिए एक हल्की गाइडलाइन ये जरूर मतलब आया है कि एडवाइजरी जारी हुई है कि कोविड आसपास जैसे चाइना वगैरह, जापान, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा और कोविड के प्रोटोकॉल का हमें आगे चल के जैसे भी गाइडलाइन आएगी स्टेट से या जिला प्रशासन से, उसके हिसाब से हमको प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। जिस तरह से पिछली बार हमें मालूम ही है कि हमें मास्क लगाना है, सैनिटाइज का यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और एडवाइजरी के हिसाब से जैसे रहेगा कि हमें जैसे कोई केस अगर पॉजिटिव निकलता है तो हमको अर्ली केस डिटेक्शन करना है, उसको आइसोलेशन करना है, उसका टेस्ट टाइम पर हम लोग कर लें और टाइम पर उसका मैनेजमेंट हो जाए ताकि किसी को भी कोविड के इस तरह से जो पिछली बार जो सेकंड लहर में हुआ था इस तरह कोई ये नहीं हो। इसके अलावा हमारे जितने भी अभी प्रोटोकॉल के हिसाब से जितने भी अगर केसेस पॉजिटिव आएंगे तो उन पॉजिटिव हर जितने भी केसेस पॉजिटिव आएंगे तो उनका सभी का जीनोम सीक्वेंस कराना अनिवार्य है। तो हम लोग तैयारी में लगे हैं जैसे भी रहेगा और सैंपल अगर स्टेट बोलेंगे या स्टेट से हमें गाइडलाइन आएगी या जहाँ से भी रहेंगे कि हमको सैंपल बढ़ाना है तो हम लोग हमारा जैसे पूर्व में फीवर क्लिनिक वगैरह चल रहे थे अस्पतालों में सैंपलिंग वगैरह का भी रहेगा तो उस तरह जैसे जैसे गाइडलाइन आती जाएगी हम लोग उसको फॉलो करते जाएंगे। इसी के साथ डॉक्टर BS सत्या ने कहा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जितने भी केसेस पॉजिटिव आएंगे उनका जीनोम सीक्वेंसिंग कराना अनिवार्य होगा। आगे भी जैसी जैसी गाइडलाइन आएगी उसे फॉलो करते जाएंगे। आपको बता दें कि आने वाले समय में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे बड़े आयोजन शहर में होने जा रहे हैं, ऐसे में इन आयोजनों को लेकर भी शहर को अलर्ट रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।